वेलकम बैक गाइज, मेरे एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज आज हम बना रहे हैं इन्फिनिट विलेजर फार्म, मतलब इन्फिनिट तो नहीं कह सकते, मतलब विलेजर फार्म कह सकते हैं। तो भाई ये विलेजर फार्म बना रहे हैं हम। तो भाई मतलब इसमें यार आप मेरे को कमेंट करके बताना, इसमें पता नहीं बच्चे नहीं पैदा कर रहे बच्चे, वाह। तो भाई ये बेबीज पैदा नहीं कर रहे, तो आप कमेंट में बताओ इसमें क्या करूँ मैं कि कुछ ये ढंग से काम करना शुरू हो जाए। मतलब अभी कर तो रहा है, वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना मैं इसमें, तो अभी ये थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है जो मैंने खुद ट्राई करा था। तो बस देखते रहो गाइस। तो पहले तो ये हमने बना लिया था, इसका ये बेस है, मतलब ऊपर से तो डर्ट का पूरा लेना है और फिर ऊपर से डर्ट मतलब एक वो बना देना है फ्लोर्स ऊपर, और फिर उसके आप साइड साइड में ऐसे ग्लासेस लगा दो कि वो विलेजर्स वगैरह बाहर ना निकल पाए। तो गाइज आपको करना क्या है कि इसके नीचे की साइड तो भाई वहाँ मतलब ऊपर छोटा सा एक वो बनाना है फार्म सा, छोटा सा ही कि वो विलेजर्स वगैरह आए और उसके अंदर वो कर सके, मतलब खेती वगैरह, समझ रहे हो। फिर क्यों भाई, बस यहाँ पे एक नीचे स्टोन लगा दो और ऊपर की जो डर्ट है वो खोद दो। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज आपको करना क्या है, बस ऐसे खोद दिया और ये कंपोस्टर रखना है और इसके अंदर पानी, मतलब थोड़ा गलत हो गया, पहले कंपोस्टर हटा देना फिर पत्थर के नीचे पानी रख के फिर करना वो। अभी रुक जाओ, बस मैं एक बार कर ही दूँ। आपको ज़्यादा वैसे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे अभी रुक, हटा भाई, क्या कर रहे है वे, तोड़ इसको भाई, एक से टूटता है। अच्छा देखा, टूट गया ना, मैंने कही थी बेटे टूटेगा ये। तो भाई इसमें पहले तो यहाँ पे नीचे पानी डाल दो, फिर इसके ऊपर ये कंपोस्टर लगा। तो ये भाई आपके आसपास की मिट्टी को ना पानी देता रहेगा तो ये सूखेगी नहीं, और भाई पूरा ऐसे हो से इसको उपजाऊ ज़मीन बना दो, उपजाऊ ज़मीन जो आपको बिल्कुल अच्छी खेती करवाएगी, समझ रहे हो ना कैसी खेती, अच्छे वाले। तो चलो फिर आगे मिलते हैं। तो भाई अब पहले तो ऊपर के ये एक और दो या तीन लेयर बना लेना उसकी ग्लास की, कि वो विलेजर वगैरह बाहर ना निकल पाए। देखो तीन लेयर है ना ग्लास की, इससे विलेजर वगैरह बाहर नहीं निकल पाएंगे। और भाई बेड रख देना, ये थोड़ा जब हम बना रहे थे भाई फिर हमें थोड़ा वैसा लग रहा था, हमसे मतलब ढंग से बना नहीं था भाई, पहली बारी में बना ही नहीं। फिर बाद में मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, फिर हमने जो करा वो सब करा। तो दो बेड रख देना और तीन लेयर बस, फिर आगे यहाँ से बताते हैं क्या करना है आप लोगों को। तो भाई अब आपको करना क्या है कि ऐसे एक पाथ बना देना है सात ब्लॉक आगे तक, कि वो पानी आगे ना आगे, अगर सात ब्लॉक से कम होगा तो वो पानी आगे आएगा, और जो आप वो लगाओगे कम पता नहीं क्या कहते हैं उसका छोड़ा, आप रेलवे ट्रैक्स वगैरह लगाओगे तो सारी भाई उतरती जाएंगी। तो भाई बस ये हमारा तो यू ही बना रहे थे, अभी बाद में इसको हम पूरा ग्लास फिनिश दे देंगे, बस देखते रहो आप। तो गाइज हम ये अभी टेस्ट कर रहे थे कि काम करेगा भी या नहीं भाई साहब, और ये काम नहीं कर, ओ भाई काम ही नहीं करता भाई ये, यहाँ क्या करे। देखो अब भाई यूँ मत कहना कि विलेजर स्पॉन क्यों कर रहा है, भाई विलेजर विलेज से बहुत दूर है हमारा, और ये देखो मतलब पहली ट्राई में ही हो गया सत्यानाश ख़त्म भाई, टाटा फिनिश, काम ही नहीं करा हमारा, वाह। फिर भाई हमने और दिमाग लगाया, पहले तो इस विलेजर को टाटा फिनिश करा। मैसेज मेरे में ऐसे गंदे टाइम पे आते ना भाई, कई कबार पबजी खेल रहा हो तो बीच में मैसेज आएगा, ले मर गया भाई, ख़त्म बंदे से, पहले तो ये विलेजर को ख़त्म करो भाई। ठीक क्या है तू, वो पानी गिरा देते कैसे भाई, कैसे विलेजर है पानी गिरवा देते। तो चलो छोड़ो ये बात तो बहुत होगी, आगे का काम करते अपना। तो भाई बहुत देर बाद हमें अपनी सफलता का मतलब सफलता की किरण दिख चुकी थी कि हम ये बना सकते हैं, और बस हमारा टेस्ट ड्राइव भी शुरू हो गया था। अब देखो भाई माइनकार्ट वगैरह रख दी सब, विलेजर स्पॉन करा और 3 2 1 गो, भाई साहब बन चुका है। मतलब अब बस बीच में विलेजर्स को ब्रीड वगैरह करना पड़ेगा जब भी कुछ होएगा, वरना तो ये ग्रीन की चमक रहा है पता नहीं क्या भाई अलग। ओ भाई साहब मार दी, पारस भाई जिंदा छोड़ दो उन बच्चे, वो आप आपके नहीं, नहीं कुछ भी
तो भाई इसको चलो कंप्लीट करते पूरा। भाई हमसे दो बार तो गलती हो गई यहाँ पे भाई, दो बार मतलब लिटरली दो बार नीचे पानी गिर रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि वो मिट्टी वाला तो हमने बना लिया था। फिर हमने जैसे ही तोड़ा उसमें हो गई गड़बड़, जब ग्लास वगैरह हम सब लगाने लगे तो वहाँ पे आके गड़बड़। तो फिर भी यार दिमाग तो पारस भाई का था, जो भी था सब कुछ तो उनने पूरा अच्छे से कर दिया था फिनिश। तो भाई आखिरकार हमारा वो पानी वाला सिस्टम ठीक से बन गया भाई, इतनी इतनी मुश्किल से बना। और सॉरी भाई, ये इसका कलेक्ट करने का मैं सिस्टम डर्ट का बना रहा हूँ, क्या करे यार गरीब आदमी, क्या कर सकता है। तुम भी यार सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब तो करो यार चैनल को। एक यार दो ने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में इतनी देर लगा रहे हो यार, प्लीज़ ब्रो। तो इस वीडियो पे भाई साहब कम से कम 30 लाइक्स तो ला ही सकते हो ना, या इतना भी नहीं कर सकते, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो भाई ये कलेक्टिंग वाली चीज़ मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। तो भाई हम दोनों भी कंजूस आदमी, हमने कहा कौन जाए यार घर तक पैदल, इतनी दूर घर है, मतलब है था तो 10 मीटर दूर है, फिर भी यहीं सोएंगे हम। अब तो भाई सुबह तो हो गई और अब हम स्पॉन करने वाले थे अपने विलेजर्स वगैरह, क्योंकि विलेज हमसे बहुत दूर है। तो कमेंट में मत लिखना तुमने विलेजर्स स्पॉन करे, तुम्हारी भाई बहुत बुरी आदत होती है कमेंट में घुसेड़ दोगे। भाई विलेजर्स स्पॉन क्यों करे, तो विलेजर्स स्पॉन क्यों की करे भाई, स्पॉन करना ज़रूरी होता है भाई, पहले विलेजर स्पॉन करना, चलो दूसरा भी करा भाई। दूसरा फार्मिंग वाला हो गया, इस हराम खोर को पता नहीं क्या दिक्कत थी, उसके साथ वो नहीं करना जो करना चाहते थे, समझ रहे हो ना। हाँ बस ये तो इसलिए हमने मार दिया था भाई, ऐसा भाई हमने भाई बहुत ट्राई करा, बहुत ट्राई क्या होता है, सॉरी बहुत ट्राई करा ब्रो, होया ही नहीं भाई, क्या ही करे। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, क्या वीडियो, अगली वीडियो मैंने बाद में शूट करी थी, वो जब उनने मेट कर रहे थे। और गाइस मैं बस आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया कि यहाँ पे जो ये जहाँ से निकलेंगे ना इनके बच्चे, यहाँ पे दो ट्रैप डोर और लगा देना। और यार एक चीज़ हम लगाना भूल, भाई बहुत गलती करी है हमने, फिर बाद में जब मैंने रिकॉर्ड नहीं करा ना, जब मैंने सब कुछ ये ठीक करा, एक तो गाइस ये बाहर की साइड 4 2 या 3 बेड आराम से लगा देना, और साइन बोर्ड भी लगाने थे यहाँ पे कि वो आए साइन को देख के, मतलब होते ना ऐसा, तो बस वो ही था। तो भाई हमारे फार्म का क्रिएटिव में कुछ ऐसा था, ऐसा सा था वो ऊपर से देखने पे। तो गाइज़ ये जब क्या, जब मैं रात को फिर खेल रहा था, और भाई साहब रात को क्या ही, वाह क्या सीन है मोदी जी, और मोदी जी क्यों आ गए, ये तो मिले चल रहा है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।